नगर परिषद कांग्रेस शासित जो है वो आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगर परिषद से कांग्रेस का हटा है, तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा एक समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और जो आजाद अध्यक्ष और कांग्रेस के बाकी उपाध्यक्ष बने हैं उनके बीच में हुआ है कि वे इस 30 लाख के टेंडर को जो गांधी वाटिका का है यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और चिंतों को जो है आवंटित करवाएंगे और इसी शर्त पर जो है भाजपा के दोनों पार्षदों ने बिना पद लेते हुए इनको जो है अपना समर्थन दिया है और आज वे इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पार्षद पहले भी भ्रष्टाचार का विरोध करते आए हैं और आगे भी जो है भ्रष्टाचार का विरोध करते रहेंगे और आने वाले समय में किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस टेंडर की मलाई खाने को मिलेगी इसका खुलासा जो है हम आने वाले समय में करेंगे। पिछले नगर परिषद के कार्यकाल में हमने गांधी वाटिका के नवनिर्माण को अपना एक प्रमुख कार्य के तौर पर रखा था और इसके लिए 30 लाख रुपए के बजट का भी हमने प्रावधान किया था। लेकिन उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दबाव डालकर जो है वो अपने छठे ठेकेदारों को टेंडर आवंटित करने का उस समय एक गलत प्रयास किया था। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के नाते जब भी किसी टेंडर को लगाया जाता है उसका विज्ञापन जब भी किसी समाचार पत्र में प्रेषित किया जाता है तो उसकी एक एक प्रतिलिपि अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संबंधित सभी पार्षदों को वो जारी की जाती है ताकि उसको उस कार्य के बारे में सूचना प्राप्त हो। इसी प्रकार उस समय ये भी सरकार का नियम बनाया गया था सरकार के द्वारा कि 5 लाख से ऊपर का जो भी कार्य होगा उसका जो टेंडर है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से और पारदर्शिता के माध्यम से किया जाना चाहिए, ये भी उस समय सरकार के द्वारा शर्त लगाई गई थी। लेकिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के कहने पर उस गांधी वाटिका के टेंडर को ऑफलाइन जो है उसको लगाया और ऑफलाइन ही उस टेंडर को आवंटित करने का प्रयास किया। जब यह बात हमारे ध्यान में आई तो हमने इसकी शिकायत तब के तत्कालीन उपमंडलाधिकारी नागरिक के पास तथ्यों के सहित की और उपमंडलाधिकारी नागरिक ने हमारे कहे प्रत्येक कारण पर जो है उन्होंने जांच करवाई और इसको सही पाया, तभी उस ऑफलाइन टेंडर को जो था वो कैंसिल करवाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और प्रशासनिक अधिकारी तत्कालीन भ्रष्टाचार करके अपने चहेते ठेकेदारों को जो थे इस कार्य को आवंटित करने का प्रयास कर रहे थे। इस कारण उस समय ये गांधी वाटिका का कार्य जो था ये रुका था। कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया है, ना ही हम आगे भविष्य में करेंगे, ये हम जो है अपने आम जनमानस को आश्वस्त करवाना चाहते हैं। हम गांधी वाटिका के नव निर्माण के पक्षधर हैं, हमने ही इसके लिए बजट का प्रावधान करवाया था और आगे भी हम चाहते हैं कि इसका नव निर्माण हो लेकिन पारदर्शिता के साथ और सही तरीके के साथ बिना भ्रष्टाचार के ये नव निर्माण कार्य जो है संपन्न होना चाहिए। सोलन व हिमाचल का इनक्राफ्ट शोरूम जहां पर आपको एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीकों से निर्मित घर, ऑफिस के दरवाजे, खिड़कियां व अन्य सामग्री उचित दामों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9871198737 और 9996870011।